Hello student today i am going to solve nis328 psychology question paper of april 2022 maximum marks is 100 and passing marks is 30 time duration is 3 hours attempt all question from section a and attempt only one option from section b see link eight description for solved question paper of february and november 2021 section a वन आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्टिव टेस्ट यूजेज इंक ब्लॉट टू अनकवर द अनकॉसियस कॉन्फ्लिक्ट एंड मोटिवस सी दरोस टेस्ट उस प्रक्षेपक परीक्षण की पहचान कीजिए जिसमें इंक ब्लॉट का उपयोग कर किसी व्यक्ति के अचेतन मन की उलझने तथा प्रेरणाओं की खोज की जाती है सी रोसा टेस्ट टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड ए ऐप्टीट्यूड व्यक्ति विशिष्ट परिस्थिति में आवश्यक विशिष्ट प्रकार के कौशल को सीखने की कितनी योग्यता रखता है कहते हैं ए अभिक्षमता थ्री रमेश कॉन्स्टेंटली कंप्लेन ऑफ टायर्डनेस हेड एक्स एंड वैग्यू बॉडी पेंस ऑन बींग टेस्टेड द डॉक्टर फाइंड नो ऑर्गेनिक कॉज फॉर हिज प्रॉब्लम रमेश इज डाइग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम बी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर रमेश लगातार थकान सिर दर्द और अस्पष्ट शरीर पीड़ा की शिकायत करता है डॉक्टर के टेस्ट करने पर उसकी समस्या का कोई देहिक कारण नहीं मिला रमेश में पहचान करें किस विकार से पीड़ित पाया गया बी कायजन्य चिंता फोर वेन द लर्निंग ऑफ राइडिंग अ साइकिल हेल्प्स अ यंग गर्ल टू राइड अ मोटर बाइक ईजिली देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी पॉजिटिव ट्रांसफर जब साइकिल चलाने का कौशल मोटरसाइकिल चलाने सीखने में सहायक होता है तो यह उदाहरण है सी सकारात्मक स्थानांतरण फाइव विच एवंग द फॉलोइंग रिफर्स टू आवर बिलीव अबाउट वाट वी आर कैपेबल ऑफ अचीविंग इन अदर वर्ड्स द प्रिसिव्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन डी सेल्फ इफ़िशेंसी निम्न में से यह किस और अंगित करती है वह विश्वास जब हम जिसे प्राप्त करने के योग्य होते हैं दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष योग्यता डी आत्म सामर्थ्य सिक्स वाट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन बुद्धि लब्धि क्या है आई के स्कल टू एम ए बाई सी वेयर एम ए स्टैंड फॉर मेंटल एज एंड सी ए स्टैंड फॉर क्रोनोलॉजिकल एज जहाँ एम ए का अर्थ मानसिक आयु और सी ए का अर्थ कालानुक्रमिक आयु है सेवन हाउ डू वैल्यूज हेल्प टू मेक आवर लाइफ्स बेटर मूल्य किस प्रकार हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं वैल्यूज हेल्प अस लिव विद डायरेक्शन एंड पर्पज लाइक अ गाइडिंग कंपास। व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ्स आवर वैल्यूज कैन शो अस अ पाथ फॉरवर्ड एंड हेल्प अस मेक बेटर चॉइस वैल्यूज आर आल्सो इटिमेटली लिंक टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड दे आर इसेंशियल फॉर आवर मेंटल हेल्थ मूल्य हमें दिशा और उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं एक मार्गदर्शक कम्पास की तरह हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमारे मूल्य हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं और हमें बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकते हैं मूल्य हमारी स्वयं की भावना से भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं एट हाउ डज़ द सेल्फ इवॉल्व इन एडोलसेंस किशोर अवस्था में आत्म किस प्रकार विकसित होता है ड्यूरिंग एडोलसेंस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेल्फ बिकम मच मोर सप्टल मैनी एडोलसेंट एक्सपीरियंस आइडेंटिटी क्राइसिस दे फेल टू हैव अ कोहेरेंट एंड एंड्योरिंग सेंस ऑफ सेल्फ दे हैव डिफिकल्टी इन कमिटिंग टू रोल्स वैल्यूज एंड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस किशोर अवस्था में आत्म का प्रतिनिधित्व और स्पष्ट और सूक्ष्म हो जाता है बहुत से किशोर पहचान का संकट अनुभव करते हैं आत्म का एक तर्क संगत और बने रहने वाला बोध पाने में असफल रहते हैं उन्हें अपनी भूमिका मूल्य और व्यावसायिक चुनावों के प्रति वचनबद्ध रहने में कठिनाई अनुभव होती है नाइन डिफ्रेंसिएट बिटवीन द गुना एंड गुना सत्व तथा तमस गुणों के मध्य विभेद कीजिए सत्वगुना ट्रूथ ग्रेविटी मेंटल बैलेंस तमस तमसगुना एंगर एरोगेंस मेंटल इम्बैलेंस सत्व गुण, सत्य गुरुत्वाकर्षण मानसिक संतुलन तमस गुण, क्रोध अहंकार मानसिक असंतुलन टेन हाउ कैन वेस्ट मटेरियल बी मैनेज निरर्थक पदार्थों का प्रबंधन कैसे हो सकता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट सीरियसनेस प्री ट्रीटिंग द सीवेज डिस्पोजल बिफोर थ्रोइंग इट इन वाटर बॉडीज नॉट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स रिसाइक्लिंग वेस्ट इसकी गंभीरता के बारे में जागरूकता फैलाना जल निकाओं में फेंकने से पहले सीवेज निपटान का पूर्व उपचार करना प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना एलेवन एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अनसंवेदिन तंत्र तथा अर्ध अनुसंवेदी तंत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए द सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस दिस सिस्टम कंट्रोल्स आवर इमोशंस इट रिस्पॉन्डस बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड स्लोज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दिस चेंजेस इनेबल अस टू कॉप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स द एक्टिविटी इन रिलैक्स सिचुएशंस अनुसंवेदी स्नायु तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबल होते हैं यह प्रणाली हमारे संवेगों को नियंत्रित करती है यह सर्करा लेवल बढ़ने दिल की धड़कन रक्त दबाव बढ़ने को इंगित करता है तथा पाचन की धीमी प्रक्रिया को भी परिलक्षित करता है इन परिवर्तनों से हम तनावपूर्ण स्थितियों को सामना करने में सक्षम होते हैं पैरासिम्पिथेटिक तंत्र आराम की परिस्थितियों में होने वाली गतिविधियों में प्रबल होते हैं ट्वेल्व डिस्कस द यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट विथ एग्जाम्पल बुद्धि परीक्षणों के उपयोग पर चर्चा उदाहरणों के साथ कीजिए personal selection it's a matter of common experience that people differ in the degree of competency abilities and interest success in a job depends on the fact whether the person applying for a job possesses the quality required in undertaking a particular job in this way the process of selection becomes one of matching the characteristic of the applicant with job requirement intelligence is considered as something basic to success in all kind of job as a result in most of the procedures of personal selection assessments of intelligence constitute an important component with the help of intelligence test applicants intelligence level is assessed and the results are used by the employer in the process of decision making about the applicants diagnosis of mental handicap people differ in their intellectual ability those who have a very low level of intelligence are known as mentally handicapped such person experience difficulty in adjusting with the demands of their external environment they need special care and training in fact many of them cannot communicate नीड्स एंड हैव डिफिकल्टी इवन इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ इंटेलिजेंस टेस्ट एलॉन्ग विद सर्टन अदर इंडिकेटर्स इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ मेंटल हैंडीकैप व्यक्तियों का चयन यह एक सामान्य तथ्य है कि व्यक्तियों की कुशलता क्षमता और रुचियों में अंतर होता है नौकरी में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति किस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें उस, उस विशिष्ट कार्य की निर्वाह की क्षमता है या नहीं इस प्रकार चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदन के गुणों और कार्य संबंधी आवश्यकताओं में मिलान किया जाता है बुद्धि को सभी प्रकार के कार्यों में सफलता का आधार माना जाता है इसी कारण व्यक्तियों के चयन प्रक्रियाओं में बुद्धि परीक्षण का एक प्रमुख आधार होता है बुद्धि परीक्षणों की सहायता से आवेदक की बुद्धि का स्तर मापा जाता है और संबंधित परिणामों का प्रयोग नौकरी प्रदाता आवेदक के संबंध में निर्णय लेते समय करता है मानसिक विकलांगता चिन्हित करना व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमताओं में अंतर होता है जिन व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर बहुत निम्न होता है उन्हें मानसिक रूप से विकलांग माना जाता है ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया की चुनौतियों के साथ तालमेल बनाने में बहुत कठिनाई होती है उन्हें विशिष्ट देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वस्तुतः ऐसे अनेक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें स्वयं की देखभाल में भी कठिनाई होती है अन्य अनेक सूचकांकों सहित बुद्धि परीक्षण की सहायता से मानसिक विकलांगता का स्तर मापा जाता है थर्टीन हाउ डज़ लर्निंग टेक प्लेस थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट प्रतिलाभ तथा दंड द्वारा कैसे सीखना हो जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट ऑकर्स थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाई इट्स कॉन्सुक्स आर द रिस्पॉन्स द बिहेवियर गेट्स द बिहेवियर में चेंज इन फॉर्म फ्रिक्वेंसी आर स्ट्रेंथ संचालक कंडीशनिंग सीखने की एक ऐसी विधि है जो व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से होती है दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसके परिणामों या व्यवहारों की प्रतिक्रिया से संशोधित किया जाता है व्यवहार रूप आवृत्ति या शक्ति में बदल सकता है फोर्टीन डिस्कस द फैक्टोरियल व्यू पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के कारक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए द कम्पोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस वेदर इट इज़ यूनिटरी और मल्टी कम्पोनिशियल हैज़ बीन अ मैटर ऑफ क्यूरियसिटी using a correlational technique named factor analysis several researchers have tried to uncover the structure of intelligence intelligence as a general g factor spearman proposed that we possess one general intelligence factor g and many specific factors s which are specific to particular abilities the g factor runs across all type of ability it is expressed in the ability to understand abstract relations this view is depicted in figure Multiple factors of intelligence Stone proposed that intelligence consists of seven factors namely verbal, comprehension, word fluency, number, space, associative memory, perceptual speed and induction. He developed a test of perceptual speed and induction. He developed a test of primary mental abilities to measure this factor. Samanya jiikara ke roop buddhi स्पीयर मैन ने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे पास एक सामान्य बुद्धि कारक जी होता है और अनेक विशिष्ट कारक यस होते हैं जिनका संबंध विशिष्ट योग्यताओं से होता है यह जी कारक सभी प्रकार की क्षमताओं में काम आता है अमूर्त संबंधों को समझने की योग्यता के रूप में यह प्रकट होता है यह विचार आकृति में दर्शाया गया है बुद्धि की कारकीय दृष्टि थर्जस्टोन का प्रस्ताव था कि बुद्धि सात तथ्यों से मिलकर बनती है जो है मौखिक बोधन शब्दों का पठन प्रवाह संख्या स्थान सहचर स्मृति प्रत्यक्ष गति और प्रयत्न या सामान्य शक्ति उसने इन तथ्यों की जांच के लिए प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का एक परीक्षण विकसित किया फिफ्टीन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज इन्वेस्ड बाई को हल्सबर्ग कोल हलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कल्पित पूर्व पारंपरिक स्तर तथा उत्तर पारंपरिक स्तर के मध्य विभेद कीजिए प्री कन्वेंशनल लेवल मॉरल जजमेंट इज बेस्ड ऑन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एक्शंस विच डेमोन्स्ट्रेट ओबीडियंस टू अथॉरिटी एंड अलाउ द इंडिविजुअल टू अवॉइड पनिशमेंट आर व्यू एज गुड एक्शन विच सटिस्फाई द इंडिविजुअल्स नीड आर व्यू एज गुड वाइल दोज विच डू नॉट आर व्यू एज बैड Post conventional level. Actions which are consistent with the community's welfare are viewed as good. Actions which do not abide by the laws of the community are viewed as bad. Actions which are consistent with an individual's self chosen standards of justice are viewed as good. Actions which are not consistent with such standards are viewed as bad. पूर्व पारंपरिक स्तर नैतिक निर्णय आज्ञाकारिकता और दंड पर निर्भर करता है जो कार्य अधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता दर्शाते हैं और व्यक्ति को दंड से बचने की अनुमति देते उन्हें अच्छा कहा जाता है वे कार्य जो कि व्यक्ति की, की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं अच्छे माने जाते हैं जो नहीं करते वे बुरे उत्तर पारंपरिक स्तर वे कार्य जो समुदाय की भलाई के अनुरूप होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है जो कार्य समुदाय के कानूनों का पालन नहीं करते बुरे कहे जाते हैं वे कार्य जो व्यक्ति के स्वचयनित न्याय के मानकों के अनुरूप होते हैं अच्छे कहे जाते हैं जो कार्य इन मानकों के अनुरूप नहीं होते बुरे कहे जाते हैं सिक्सटीन हाउ डज इम्प्रेशन फॉर्मेशन टेक प्लेस धारणा निर्माण किस प्रकार होता है impression formation perceiving other person is an important task in our everyday life when you meet a person you often form an impression a glance and a few uttered words are enough for these when we perceive others we do not simply add various pieces of information rather we perceive the various states in relations to other we form a dynamic whole we form an impression of the whole person the threads do not remain in isolation they interact with each other and form a new whole while forming impression we rally on and give Greater weightage to the sources we trust or admire. Similarly, we often emphasize more the negative information. Also, we give more importance to unusual information. Finally, the first impressions are given more weightage than subsequent information. It has been found that when we make judgments about others, we recall examples of their behaviors and base our judgment on them. We also use previously formed. एब्सट्रैक्शंस और रिप्रेजेंटेशंस इन माइंड वाइल फॉर्मिंग इम्प्रेशंस एंड मेकिंग डिसीजंस धारणा निर्माण दूसरों का प्रत्यक्षीकरण करना हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं इसके लिए उसे देखना और उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही पर्याप्त होते हैं जब हम दूसरे को देखते हैं हम केवल कुछ छोटी छोटी सूचनाएं नहीं जोड़ते बल्कि हम दूसरों के कुछ गुणों को देखते हैं हम एक गत्यात्मक पूर्ण बनाते हैं हम पूर्ण व्यक्ति के प्रति एक धारणा बना लेते हैं गुण कहीं शून्य में नहीं रहते वे एक दूसरे से अंश क्रिया करते हैं और एक नया पूर्ण निर्मित कर लेते हैं धारणा बनाते समय अपने विश्वस्त या प्रशंसित स्रोतों पर अधिक महत्व के साथ निर्भर करते हैं इस तरह कभी कभी हम नकारात्मक सूचना पर बल देते हैं हम असाधारण सूचना को भी महत्व देते हैं अंत प्रथम धारणाओं पर बाद की सूचना की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है ऐसे पाया गया है कि दूसरों के बारे में कोई निर्णय करते समय उनके व्यवहार के उदाहरण याद करते हैं और उन्हीं पर अपना निर्णय आधारित करते हैं धारणा बनाते हैं और निर्णय लेते समय हम प्रतिसरंस को भी मन में रखते हैं सेवेंटीन हाउ कैन वेल बिंग बी प्रमोटेड थ्रू चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल जीवन शैली में बदलाव द्वारा कुशल क्षेप कैसे संवर्धित किया जा सकता है चेंजिंग The lifestyle. It must be noticed that medicine alone is not sufficient to cure disease. When lifestyle is faulty, it is necessary to understand that the way we think and the way we behave are interrelated. Mind and body both go together. The various types of illness are often caused by our beliefs and habits. In achieving the optimum state of health, it is important to achieve the harmony of body and mind. It is with this in view. That Ayurveda, the Indian system of medicine, suggests that health and well-being depend upon proper Ahar, Vihar, Achar, and Vichar. The key principles that need our attention in this area are as follows. Ahar, diet. Vegetarian food is safe and invigorating for the body. Fresh fruit and green vegetables rich in fiber, contents, honey, and curd, provide vitamins, antioxidant, iron, it is necessary for health. Avoidance of food having opposite effect achar conduct daily routine should be organized according to season drinking lot of water regular massage exercises and yogic asana help to keep body fit and active develop skill for proper time management vihar and vichar recreation and thought develop accommodative intellect एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिसिम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशनल नीड ऑफ अदर्स प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल एंड वन सुड नॉट बी ड्राइवन बाय लस्ट एंड ग्रीड सुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर एंगर जेलेस एंड वरी डेवलप इंड्योरिंग फ्रेंडशिप्स एंड सोशल रिलेशंस जीवन शैली में बदलाव यह बात समझनी चाहिए कि केवल दवा ही रोग के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि जीवन शैली त्रुटिपूर्ण है यह समझना जरूरी है कि हमारा सोचना और व्यवहार करना अंत सम्बधित है मन और शरीर साथ साथ चलते हैं विभिन्न प्रकार के रोग कई बार हमारे विश्वासों और आदतों के कारण बनते हैं उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन और शरीर का सामंजस्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण है इसी विचार से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने स्वास्थ्य और कुशल कुशलक्षेम के लिए कहा है कि ये उचित आहार विहार आचार और विचार पर निर्भर करते हैं इनके मुख्य सिद्धांत जिन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है निम्नलिखित हैं आकार शाकाहारी भोजन सुरक्षित और शरीर को बल बलप्राधक होता है ताजे फल हरी सब्जियां जिनमें रेसे अधिक होते हैं दही और शहद जिनसे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट आयरन आदि मिलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं विरोधी प्रभाव वाले भोजन से बचना आचार मौसम के अनुसार दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए पानी अधिक पीना नियमित मालिश व्यायाम और यौगिक आसन शरीर को चुस्त और क्रियामंद रखते हैं उचित समय प्रबंधन का कौशल विकसित करना विहार और विचार समायोजनकारी बुद्धि आलोचना की स्वीकृति दूसरों की सामवेगिक आवश्यकताओं की समझ विकसित करना आत्मसंयम का अभ्यास और व्यक्ति को काम और लालच से चालित नहीं होना चाहिए भय क्रोध ईर्ष्या और चिंता जैसे नकारात्मक संवेगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए स्थायी मित्रता और सामाजिक संबंध विकसित करना एटीन डिस्क्राइब द लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रत्यक्षणात्मक संगठन की विधियों का वर्णन कीजिए law of perceptual organization 1 good forms law of pragnance this law states that perceptual organization will always be as good as the prevailing conditions allow the simplest organization requiring the least cognitive effort will always emerge pragnance means that we perceive the simplest organization that fits the stimulus pattern to proximity all the stimuli that occur together in space or time will be organized together in figure you can observe three groups of two vertical lines you will find it difficult to see six individual lines three similarity other things being equal elements which are similar in structure or have common characteristic will be grouped together in figure 5 square 5 fingers and 5 circles in column are grouped together 4 closer an incomplete figure will be seen as a complete one in figure कंसिस्टिंग ऑफ इनकम्प्लीट लाइन्स दैट हैव गैप इन देम इट इज़ परसिब्ड एज अ ट्रिंगल डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट साइट्स आर इनकम्प्लीट अ क्लोजर लाइक फिनोमिना एल्ड सब्जेक्टिव काउंटर इन फिगर यू विल ऑब्जर्व दैट द ट्रेंिंगल डज नॉट एग्जिस्ट स्टिल इट इज़ कम्पेलिंग टू परसीव अ ट्रिंगल इन द फिगर प्रत्यक्षणात्मक संगठन की विधियाँ एक अच्छा रूप प्रेगनास की विधि यह विधि बताता है कि प्रत्याशात्मक संगठन सदैव अच्छे के रूप में रहेगा जैसा कि मौजूदा स्थितियां स्वीकार करें साधारण से साधारण संगठन आवश्यक आंशिक ज्ञानात्मक प्रयास सदैव निर्गत करेगा प्रेगनास का अर्थ है जिसको हम अति साधारण संगठन के रूप में प्रत्यक्षीकरण करें जो कि उद्दीपन पद्धति में सटीक हो दो निकटता सभी उद्दीपन जो कि स्थान अथवा समय पर साथ साथ होते हैं को साथ साथ व्यवस्थित करना होगा चित्र में आज उधर लाइनों के तीन समूह देख सकते हैं इससे आपको पता चलेगा कि एक एक लाइन को देखने में कठिनाई होती है तीन समानता अन्य चीज़ें जो बराबर हों वे तत्व जो कि संरचना में समान हों अथवा जिन चीज़ों की विशेषताएं समान हों को एक समूह में रखा जाएगा चित्र में पांच वर्ग पांच त्रिभुज और पांच सर्किल को कालम में सात सात समूह में रखा गया है चार बंद आकृति एक अधूरा चित्र एक पूर्ण चित्र के रूप में दिखाई देगा चित्र एक ऐसा चित्र है जिसमें अधूरी लाइनें हैं इन लाइनों के बीच में अंतर है यह एक त्रिभुज के रूप का प्रत्यक्षीकरण कराता है जबकि वास्तव में इसकी भुजाएं अधूरी हैं एक क्लोजर व्यक्तिनिष्ठ रूपरेखा के आभास के समान होता है चित्र में आप देखेंगे कि त्रिभुज सही नहीं है जबकि यह त्रिभुज चित्र में त्रिभुज का प्रत्यक्षीकरण कराता है नाइनटीन एक्सप्लेन एनी टू थ्यूरीज ऑफ इमोशन इन डिटेल संवेक के किन्हीं दो सिद्धांतों की व्याख्या विस्तार से कीजिए साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इमोशन इन डिफरेंट वेज विलियम जेम्स एंड कार्लैंड स्टेटेड दैट साइकोलॉजिकल चेंजेस गिव राइज टू इमोशनल एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देम फर्स्ट यू क्राई देन यू फील सैड फर्स्ट यू रन देन यू फील एफ्रेड दिस सिक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन फिगर इवेंट अरोजल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अवेयरनेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन कैन एंड ब्रेड सेट दैट वेन we फेस एन इवेंट वी feel साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड परसेप्शन ऑफ इमोशन टुगेदर Event, और ऑजल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इमोशनल एक्सपीरियंस मनोवैज्ञानिकों ने संवेग के सावती को विभिन्न रूपों में उल्लेख करने का प्रयास किया है विलियम जेक्स तथा कार्ल कार्लैगे ने कहा था कि शारीरिक परिवर्तन संवेगात्मक अनुभव को बढ़ाते हैं उनके अनुसार पहले आप रोते हैं तब दुख का अनुभव करते हैं पहले आप भागते हैं और तत्पश्चात आपको भय की अनुभूति होती है इस क्रम को चित्र में प्रस्तुत किया गया है घटना भाव प्रबंधन एवं शारीरिक परिवर्तन परिवर्तन का आभास संवेगों का अनुभव कैनन तथा बराड कहते हैं कि जब हम किसी घटना के रूबरू होते हैं तो शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव तथा संवेगों की प्रत्यक्षीकरण एक साथ करते हैं घटना भाव प्रबोधन एवं शारीरिक परिवर्तन संवेगात्मक अनुभव ट्वेंटी व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज दैट वी नीड टू एडॉप्ट टू इंश्योर हेल्थ एंड वेलनेस स्वस्थ तथा पुनरोत्पादक जीवन बनाए रखने के लिए हमें रोकथाम वाली कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए Based on researches of a wide variety, it is being felt that ensuring health and wellness is possible with the help of adopting certain preventive strategy a brief description for these strategies is given below one primary prevention it tries to reduce or eliminate the occurrence of preventable illness and injury it involves helping people learn about behavior and health promoting motivation and necessary skill to practice healthy behavior and modifying poor health practices it also involves generating awareness about immunization to secondary prevention, the major goal of this kind of prevention is to decrease the severity of illness which person suffer. With the help of early detection using diagnostic tests that screen the disease, step may be taken for cure. People can learn method of self examination of body parts and functioning of various organs that may help in prevention of disease. Three. Changing the lifestyle. It must be noted that medicine alone is not sufficient to cure disease. When lifestyle is faulty, it is necessary to understand that the way we think and the way we behave are interrelated. Mind and body both go together. The various types of illnesses are often caused by our beliefs and habits. In achieving the optimum state of health, it is important to achieve the harmony of body and mind. It is with this in view that Ayurveda, the Indian system of medicine, suggests that health and well being depend upon proper ahar diet, vihar recreation, achar conduct, and vichar thought. विस्तृत प्रकार के शोधों के आधार पर यह अनुभव किया जाने लगा है कि कुछ रोकथाम वाली रणनीति अपनाने से ही अच्छे स्वास्थ्य के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है इन रणनीतियों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है एक प्राथमिक रोकथाम इसमें रोके जा सकने वाले रोग या चोट के घटने को कम या समाप्त किया जा सकता है इसके अंतर्गत व्यवहार और स्वास्थ्य अभिप्रेरण स्वस्थ व्यवहार के अभ्यास को पुरंतम करने और गिरे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कौशलों को सीखने में सहायता करना आता है दो गौण रोकथाम इस प्रकार की रोकथाम का उद्देश्य रोगी के रोग की गंभीरता को कम करना है शीघ्र जानकारी की सहायता से निधनात्मक परीक्षण का उपयोग करके इलाज के लिए कदम उठाए जा सकते हैं लोग शरीर के अंगों का आत्मपरीक्षण अंगों की क्रियाविधि के बारे में सीख सकते हैं इससे उन्हें रोग की रोकथाम में सहायता मिल सकती है तीन जीवन शैली में बदलाव यह बात समझनी चाहिए कि केवल दवा ही रोग के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि जीवन शैली त्रुटिपूर्ण है यह समझना जरूरी है कि हमारा सोचना और व्यवहार करना अंत सम्बर्धित है मन और शरीर साथ साथ चलते हैं विभिन्न प्रकार के रोग कई बार हमारे विश्वासों और आदतों के कारण बनते हैं उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन और शरीर का सामंजस्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण है इसी विचार से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने स्वास्थ्य और कुशलेक्षम के लिए कहा है कि ये उचित आहार विहार आचार और विचार पर निर्भर करते हैं से लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ फरवरी एंड नवंबर 2021 21 व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज गिवेन बाई फेराड द साइकोनालिस्ट मनोविश्लेषक फ्रैड द्वारा प्रतिपादित चेतना के स्तर कौन से हैं फेराड प्रपोज दैट साइकोलॉजिकल फोर्सेस ऑपरेट एट थ्री लेवल्स ऑफ अवेयरनेस कॉन्सियस लेवल द थॉट्स फीलिंग्स एंड सेंसेशंस दैट one is aware of at the present moment pre-conscious level it contains information of which one is not currently aware however they can easily enter conscious mind unconscious level it consists of thought feelings wishes drives etc of which we are not aware it however influences our conscious level of activity ferrard thought that unconscious material often seeks to push through to the कॉन्सियस लेवल इन अ डिस्गेस्ड मैनर इट मे बी इन अ डिसडॉटेड मैनर एंड और इट मे टेक अ सिम्बॉलिक फॉर्म इंटरप्रटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड फ्री एसोसिएशन वेयर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ द थ्री लेवल्स ऑफ अवेयरनेस फ्राइड मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ जागरूकता के तीन स्तरों पर होती हैं सचेतन स्तर विचार अनुभव तथा संवेदनशीलता इनमें से एक हर क्षण मौजूद रहती है पूर्व सचेतन स्तर यह सूचना एकत्रित करता है जिसमें से एक को मौजूदा जानकारी नहीं होती बहरहाल वे आसानी से सचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं अचेतन स्तर इसके विचार अनुभव इच्छाएं अंतर्जोध आदि होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता बहरहाल ये हमारी गतिविधि के सचेतन स्तर को प्रभावित करता है फ्रायड का मत है कि अचेतन सामग्री अक्सर प्रछंड तरीके से चेतना स्तर में प्रविष्ट करता है यह विकट तरीके में हो सकता है अथवा यह प्रतीकात्मक रूप में हो सकता है सपने तथा मुक्त सहचर्य का अर्थ का प्रयोग जागरूकता के तीन स्तरों के विश्लेषण में किया जाता था 22. टू व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं संक्षेप में वर्णन कीजिए वन जीनेटिक फैक्टर्स ऑलमोस्ट ऑल थ्योरिस्ट कंसीडर हेरिडिटी एज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी सम लाइक फेरॉड व्यू पर्सनालिटी एज प्योरली बायोलॉजिकल हाउ इवर अदर रिकोगनाइज द वैल्यू ऑफ सोशियल एंड कल्चरल फैक्टर्स इनफैक्ट इट वुड बी रॉन्ग टू व्यू द question in either our manner and give more emphasis to heredity or environment studies of behavior genetics suggest that most personality variables are 15 to 50 percent inheritable to early experience most of the theorists, theorists of personality think that personality development is a continuous process the earlier year play very important role in the shaping of personality however the Immediate environment and experiences are also found to be of immense value. 3 primary groups while explaining personality development family is found to play a critical role the early relationships with members of family are particularly important virot thought that many of the problems during adult life are due to problematic child rearing practices leading to emotional disturbance the sense of identity and relevance of appropriate modeling has been emphasized for culture people living in one culture often share similar practices beliefs and values the child is expected to learn to behave in the manner respected by the culture for instance boys and girls are expected to show different sets of personality characteristics the various occupational roles are also shaped by culture however the effect of culture may not be uniform for every one belonging to that culture because they are transmitted through different ways and persons and people also have certain unique experiences ek anuvanshik karak अधिकांशतः सभी सिद्धांतविदों का मत है कि व्यक्तित्व के निर्धारण में अनुवांशिकता की प्रमुख भूमिका होती है जैसे फायट के विचार में व्यक्तित्व विशुद्ध रूप से जैवकीय है बहरहाल सामाजिक तथा सांस्कृतिक के मूल्य को दूसरे पहचान करते हैं वास्तव में दोनों में से एक अथवा दोनों तरीकों से इस प्रश्न पर विचार करना गलत होगा और अनुवांशिकी अथवा वातावरण पर अधिक जोर दिया गया है अनुवांशिक व्यवहार का अध्ययन बताता है कि अधिकतर व्यक्तित्व पर अनुवांशिक गुणों का पंद्रह से पचास प्रतिशत तक प्रभाव पड़ता है दो पूर्व अनुभव व्यक्तित्व पर विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश सिद्धांतवैदों का मत है कि व्यक्तित्व का विकास एक सतत प्रक्रिया है आरंभिक वर्षों में खेलना व्यक्तित्व को निखारने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बहरहाल आसपास का परिवेश तथा अनुभव भी व्यक्तित्व के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तीन प्राथमिक समूह व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या करते समय परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार के सदस्यों के साथ जल्दी संबंध जोड़ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है फ्रायड का मत है कि व्यवसकता के दौरान बहुत सी समस्याएं गलत ढंग से पालन पोषण के कारण उत्पन्न होती हैं जो कि भावनात्मक अड़चने हो जाती हैं पहचान करने की संवेदना तथा उपयुक्त मॉडलिंग की प्रासंगिकता पर बल दिया गया है चार संस्कृति एक संस्कृति में रहने वाले लोग अक्सर समान प्रवृत्ति के होते हैं संस्कृति द्वारा स्वीकार पद्धति के अंतर्गत बच्चा व्यवहार को सीखता है उदाहरणार्थ लड़कों तथा लड़कियों में व्यक्तित्व के लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं विभिन्न व्यवसायिक कार्य भी संस्कृति द्वारा तैयार किया जाते हैं बहरहाल उस संस्कृति में रहने वाले प्रत्येक बच्चे पर संस्कृति के प्रभाव में समरूपता नहीं हो सकती क्योंकि वे विभिन्न तरीकों तथा व्यक्तियों के माध्यम से संचालित होती हैं और लोगों में उत्कृष्ट अनुभव भी होते हैं ट्वेंटी डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी अल्पकालीन स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृति के मध्य विभेद कीजिए फीचर कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लिमिटेड अप टू सेवन आइटम्स आर चंक्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड ड्यूरेशन यूजुअली अप टू थर्टी सेकेंड्स बट वेरीज अंडर डिफरेंट सिचुएस में रेंज फ्रॉम डेज टू अ लाइफ टाइम Type of information, visual images, sounds, words, sentences, meaningful verbal material, life events, causes of forgetting, displacement of old information by new one, inadequate, interference, organization of material. Visestaye, Chamta. अल्पकालीन स्मृति सात मदों तक सीमित दीर्घकालीन स्मृति असीमित अवधि सामान्यतः तीस सेकेंड तक किंतु विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है दिनों से जीवन भर के लिए रह सकती हैं सूचना का प्रकार दृश्य बिंब ध्वनिया शब्द वाक्य अर्थपूर्ण मौखिक सामग्री जीवन की घटनाएं विस्मृति के कारण नई सूचना द्वारा पुरानी सूचना का विस्थापन अपर पर्याप्त सामग्री का हस्तक्षेप संगठन ट्वेंटी फोर डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एन्वायरमेंट हाउ डू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस इंट्रैक्शन हेल्प अस टू वैल्यू आवर इन्वायरमेंट मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों पर चर्चा कीजिए मनुष्य पर्यावरण की अंतक्रिया के विभिन्न अवयवों में अपने पर्यावरण के मूल्य को समझने में कैसे सहायक हो सकते हैं this field of psychology is dedicated to the study of reciprocal relationship between psychological process and psychological environments both natural and man-made reciprocal relationship deal with two-way process in which environment influences human behaviors and human being affect environment in order to understand various aspects of this interaction it would be useful to understand various types of environment which we encounter a briefly description of major type of environment is given below physical environment it includes both physical reality and social culture phenomena that surround us the noise the temperature the quality of air and water and various objects and things constitute the physical world around us the social and cultural environment it includes the aspects of social interaction including its products such as beliefs attitudes stereotypes etc the material and non material aspects of environment are included in it psychological environment it includes the perceptions and experiences pertaining to any environmental setting some environments may be stimulating and exciting while other may be dull and boring expression of psychological is often used in the organizational context environment is a theme relevant to many other disciplines such as geography architecture urban planning etc it is indeed multidisciplinary in nature it is labeled as environmental science the human-environment interaction have five major components these components are briefly described below one physical environment it includes aspects of natural environment such as climate terrain Temperature, rainfall, flora, fauna, etc. Two, social culture environment. It includes all aspects of culture environment such as norms, custom, process of socialization, etc. It includes all the aspects dealing with other people and their creations. Three, environmental orientations. It refers to the beliefs that people hold about their environment. For example, some people hold environment equivalent to God, and therefore they perceive all its aspects with respect and reverence and try to maintain it in a perfect form and do not degrade it for environmental behavior it refers to the use of environment by people in the course of social interaction for example considering the environment as personal space where the individual identifies himself with it फाइव प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर दिस इंक्लूड दैट आउटकम्स ऑफ पीपल्स एक्शन सच एज होम सिटीज डैम्स स्कूल इट इज सी दैट इज दीज आर प्रोडक्ट्स आर आउटकम्स डीलिंग विथ द इन्वायरमेंट मनोवैज्ञानिक को यह क्षेत्र मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और भौतिक पर्यावरण दोनों प्राकृतिक एवं मानव कृत के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए समर्पित हैं पारस्परिक संबंध दुर्मार्गी प्रक्रिया से कार्य करता है जिसमें पर्यावरण मानव व्यवहार पर प्रभाव डालता है और मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है इस अंतक्रिया के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों जिनका हम सामना करते हैं को समझना उपयोगी होगा पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है भौतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत भौतिक यथार्थ और समाज सांस्कृतिक पर दृश्य जो हमारे चारों ओर रहता आते हैं शोरगोल तापक्रम जल और वायु के गुण और विभिन्न पदार्थ और वस्तुएं हमें चारों ओर से घेरने वाला भौतिक जगत बनाते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत सामाजिक अंतर्क्रिया के पक्ष और उनके उत्पाद आते हैं जैसे विश्वास धारणाएं रूणियां इत्यादि इसमें पर्यावरण के भौतिक और अभौतिक पक्ष शामिल रहते हैं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण इसके अंतर्गत पर्यावरण के किसी समुच से संबंधित प्रत्यक्षीकरण और अनुभव आते हैं कुछ पर्यावरण उत्तेजक हो सकते हैं जबकि दूसरे शिथिल रुबाऊ मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति बहुधा संगठनात्मक संदर्भ में प्रयोग होती है पर्यावरण का विषय अन्य अने अनेक विषयों के लिए प्रासंगिक है जैसे भूगोल वास्तुशिल्प नागरीय नियोजन आदि वास्तव में इसकी प्रकृति बहुविषयक है इसे पर्यावरण विज्ञान के रूप में जाना जाता है मनुष्य पर्यावरण अंत के, के पाँच प्रमुख अवय हैं इन अवयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है एक भौतिक पर्यावरण इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के पक्ष आते हैं जैसे जलवायु भूभाग की विशेषताएं तापमान वर्षा वनस्पति पशु पक्षी आदि दो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी पक्ष आते हैं जैसे मानबिंदु रीति रिवाज सामाजिकरण की प्रक्रिया आदि इसमें दूसरे लोगों से संपर्क और उनकी कृतियाँ आते हैं तीन पर्यावरणीय दिशा निर्देश यह अपने पर्यावरण के बारे में लोगों के विश्वास का संकेत करता है उदाहरण के लिए कुछ लोग पर्यावरण को भगवान के समान मानते हैं और इसलिए वे इसके हर पक्ष को बड़े ही सम्मान से देखते हैं और उसे पूर्ण रूप से बनाए रखने का प्रयास करते हैं तथा उसे प्रदूषित नहीं होने देते हैं चार पर्यावरणीय व्यवहार यह लोगों को सामाजिक अंत के दौरान पर्यावरण के प्रयोग की ओर संकेत करता है उदाहरण के लिए व्यक्ति जब अपनी पहचान पर्यावरण से करता है तो पर्यावरण को व्यक्तिगत स्थान मानता है पाँच व्यवहार के उत्पाद इसमें लोगों के कार्यों के परिणाम आते हैं जैसे घर नगर बांध स्कूल आदि इस प्रकार ये पर्यावरण के साथ व्यवहार के उत्पाद या परिणाम हैं 25. फाइव अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ डज़ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट कॉग्नेटिक डेवलपमेंट डील्स विद द स्टडिंग हाउ ह्यूमन बींग थिंक रीजन एंड फॉर्म कंसेप्ट इन अदर वर्ड इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग साइकोलॉजिस्ट पियाजे द माइंड लाइक द बॉडी आल्सो हैज स्ट्रक्चर्स द बेसिक यूनिट आर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्केमा एस्केमा इज एन एब्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट्स इन एन ऑब्जेक्ट For example, the infant schema for a face is likely to emphasize an oval frame containing two horizontally placed circular shapes. It is likely that a schema is not an exact copy of any particular object or event. This complex concept involves both mental organization and observable behavior a schema is known by the behavior it involves example the schema of sucking implies that a baby recognizes the schema of hunger and therefore sucks here hunger is the schema and the effort to get food or sucking is the behavior which is observable meta are intellectual structure that organize events as they are perceived by the organism into group according to common characteristics for example in the schema of face the child perceives common characteristics that are organized in a particular way in all human faces they are re repeatable psychological events in the sense that a child will repeatedly classify stimuli in a consistent manner cognitive development is influenced throughout by two general principles organization and adaptation organization involves the integration of all process into one overall system initially an infant's schema of looking and of grasping are quite different resulting in faulty hand-eye coordination eventually the baby organizes this schemata in order to hold and look at the object at the same time adaptation is a टू फोल्ड प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर टू डील इफेक्टिवली विद देयर सराउंडिंग्स इट इन्वॉल्व्स बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन विच आर द इंसेंस ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मनुष्य के सोचने तर्क क्षमता एवं संपत्ति निर्माण का अध्ययन किया जाता है दूसरे शब्दों में यह मन के विकास से संबंधित होता है एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक पियाजे के मन मस्तिष्क की संरचना भी शरीर जैसी होती है मन की मूल इकाई को स्कीमा कहा जाता है एक स्कीमा किसी वस्तु में मूल तत्व का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए शिशु का स्कीमा एक अंडाकार फ्रेम जैसा होता है जिसमें क्षैतिज व तकार वस्तु होती हैं ऐसा लगता है कि स्कीमा किसी विशेष वस्तु अथवा घटना की वास्तविक प्रति नहीं होती है इस जटिल अवधारणा में मानसिक संगठन तथा परीक्षणात्मक व्यवहार दोनों शामिल होते हैं स्कीमा को व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है अर्थात चूसने की स्कीमा में भूख का स्कीमा समाविष्ट होता है इसलिए वह चूसता है यहाँ पर भूख लगना स्कीमा है तथा भोजन प्राप्त करने का प्रयास अथवा चूसने की प्रक्रिया व्यवहार है जो कि अवलोकनीय होता है स्कीमिया एक बौद्धिक संरचना होती है जो घटनाओं को संगठित करती है क्योंकि ये समान विशेषताओं के अनुरूप समूहों में प्राणियों द्वारा प्रत्यक्ष किए जाते हैं उदाहरण चेहरे किसके किरण बच्चा कुछ समान विशेषता देखता है जो कि सभी मानव चेहरों में एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होती है ये बार बार होने वाली मनोवैज्ञानिक घटनाएँ हैं जिनको बच्चा स्थिर ढंग से उद्दीपक रूप में वर्गित करता है ज्ञानात्मक विकास दो समान सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होता है व्यवस्थापन तथा अनुकूलन संगठन में सभी प्रक्रमों का एक प्रणाली में समेकन है आरंभ में शिशु का स्कीमा देखने तथा पकड़ने में भी बिल्कुल भिन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप हाथ तथा आंख में दोषपूर्ण समन्वय हो जाता है आखिरकार बच्चा इन स्कीमों को एक ही समय पर वस्तु को पकड़ने और देखने के लिए व्यवस्थित करता है अनुकूलन एक दोहरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रभावशाली रूप से नई संरचना का सृजन करते हैं इसमें आत्मसात्करण तथा समंजन दोनों शामिल होते हैं जो विवेकपूर्ण व्यवहार का निचोड़ होता है सेक्शन बी ऑप्शन वन ट्वेंटी सिक्स द गोल ऑफ जनरल एजुकेशन इज टू हेल्प अस ए डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क सामान्य शिक्षण का उद्देश्य है हमारी सहायता करें ताकि ए हमारे अंदर एक सकारात्मक अभिरुचि तथा आदर सभी तरह के कार्यों के प्रति पैदा हो ट्वेंटी सेवन व्हाट डज कैरियर डेवलपमेंट मीन कैरियर विकास से क्या तात्पर्य है कैरियर डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन इट इज़ अ डायनेमिक ऑन गोइंग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस कैरियर विकास एक व्यक्ति की जीवन शैली में समग्र विकास है यह एक उत्कृष्ट निरंतर एवं सतह प्रक्रिया है ट्वेंटी एइट हाउ डज स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम दबाव किस प्रकार प्रतिरक्षण प्रणाली को प्रभावित करता है we have got a protective mechanism inside our body which is called the immune system but stress can weaken this immune system and this can make us victim of many diseases if the stress is for a shorter period there is not much damage but if the stress prolong it result in serious illness such as cancer heart disease headache asthma and peptic ulcer it is found that individuals under stress are more likely to catch cold than individuals who are not under stress this is attributed to the fact that intense stress reduces body immune system thus making the person easily vulnerable to infections हमारे शरीर के भीतर एक सुरक्षा तंत्र विद्यमान है जिसे प्रतिरक्षण प्रणाली कहते हैं किंतु दबाव इस प्रतिरक्षण प्रणाली को कमज़ोर बना सकता है और इसके परिणामस्वरूप हम अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं यदि दबाव अल्पवधि के लिए तो अधिक खतरे की स्थिति नहीं है किंतु यदि दबाव लंबे समय तक विद्यमान रहता है तो इसके कारण गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर दिल की बीमारी सर दर्द दमा पाचक अल्सर हो सकती है यह देखा गया है कि सामान्य व्यक्ति की तुलना में दबावग्रस्त व्यक्ति को जुकाम जल्दी होता है यह इस तथ्य को दर्शाता है कि अत्याधिक दबाव हमारे शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली को कमजोर करता है और इस प्रकार से हम आसानी से संक्रमणों की चपेट में आ जाते हैं ट्वेंटी नाइन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट एक्सप्लेन एनी फोर व्यावसायिक विकास के कौन से चरण हैं किन्हीं चार की व्याख्या कीजिए The stages of vocational development may be described as follow early exploration this involves first job it can be a part time or a temporary job exploration and trial in this stage a person explores more avenues and in the end try to settle in a job of his or her liking this stage is also called floundering stage establishment and maintenance during this stage a person establishes हिम सेल्फ हर सेल्फ इन वन फील्ड ऑफ वर्क एंड देन कंटिन्यू टू मेंटेन इन इट रिटायरमेंट हेयर द पर्सन टेंस टू नेरोन हीज आर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन ही सी में आयदर लीव द जॉब आर शिफ्ट टू जॉब विथ लेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यावसायिक विकास के चरणों की व्याख्या निम्न की जा सकती है पूर्ण सम्वेशन इसमें पहला व्यवसाय शामिल है यह पूर्णकालिक या अंशकालीन हो सकती है संवेषण या परीक्षण इस चरण व्यक्ति और अधिक अवसरों का परीक्षण करता है तथा अंत में अपनी रुचि के व्यवसाय में स्थापित होने का प्रयास करता है इस चरण को दलदली चरण भी कहते हैं स्थापन तथा अनुरक्षण इस चरण के दौरान एक व्यक्ति कार्य के एक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करता है तथा उस क्षेत्र में स्वयं को बनाए रखता है सेवानिवृत्ति यहाँ व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को कम करने लगता है व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं के अनुसार या तो नौकरी छोड़ देता है या कम उत्तरदायित्व तो वाली नौकरी में चला जाता है ये कार्य जगत में प्रविष्ट होने के बाद कैरियर विकास के चरण हैं थर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन हाउ जॉब सेटिस्फैक्शन कैन बी इनहेंस्ड उदाहरणों की मदद से व्याख्या कीजिए कि की कार्य संतोष को कैसे बढ़ाया जा सकता है organizational factor a major amount of our time is spent at the workplace the place where we spend a lot of time should fulfill our needs to some extent some of the important factors related to the workplace are as follow one rewards rewards include all incentives like raise in pay perks facilities and promotion the promotion is a major factor in job satisfaction an employee can only achieve job satisfaction and work better when he knows that he will get his due and raise in salary in time 2. Physical working conditions. The physical working conditions, like availability of necessary furniture, lighting facilities, and work hazard, also play a major role in job satisfaction. 3. Cooperation. Cooperation and attitude of the staff members is also an important factor in the job satisfaction of the person. Personal factor. Whether the nature of the work is of interest to the employee is a question. The answer of which tell about the level of job satisfaction of the person. The second category of major factor are personal factor. These are follow one personality traits. Some jobs are suitable only to a certain type of personalities. For example, a doctor or salesperson jobs is such that they require regular contact with the general public. If they are shy in nature or cannot talk much, they will not be successful in their work. Sitting, which will Cause dissatisfaction while choosing for a job, one should see that he or she has those personality traits which are necessary for that job because matching of the personality trait with the job is very necessary to status and seniority. It has been found that higher a person's position within the organization, the higher the job satisfaction level is reported. 3. Life satisfaction. Whether the job which a person is doing is giving the person life satisfaction to a person want to establish or रीच अ गोल इन हिज लाइफ एंड इट कैन बी एकोम्पलाइज थ्रू द वर्क विच वन इज डूइंग इट इज अदर दैन द मॉनिटरी पार्ट फॉर एग्जाम्पल टेकिंग आउट पब्लिकेशन आर कंडक्टिंग रिसर्चेस इट इी संगठनात्मक कारक हमारे समय का एक प्रमुख भाग हमारे कार्यस्थल पर गुजरता है उस स्थान जहां हम इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं द्वारा कुछ स्तर तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए कार्यस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारक नियमानुसार हैं एक पुरस्कार पुरस्कार में वेतन वृद्धि सुविधाएं तथा पदोन्नति जैसी सभी प्रोत्साहन शामिल हैं कार्य संतोष के लिए पदोन्नति एक प्रमुख कारक है एक कर्मचारी कार्य संतोष तथा बेहतर कार्य तभी कर सकता है जब उसे पता हो कि उसे उसके दय तथा वेतन वृद्धि समय से प्राप्त हो जाएगी दो भौतिक कार्य परिस्थितियाँ भौतिक कार्य परिस्थितियाँ जैसे आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता प्रकाश सुविधाएं कार्य जोखिम भी कार्य संतोष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तीन सहयोग सहकर्मियों का सहयोग और व्यवहार भी व्यक्ति के कार्य संतोष के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है व्यक्तिगत कारक क्या कार्य की प्रकृति व्यक्ति की रुचि की है यह एक प्रश्न है तथा इस प्रश्न का उत्तर हमें उक्त व्यक्ति के कार्य संतोष के स्तर के संबंध में अवगत कराता है दूसरी श्रेणी के प्रमुख कारक व्यक्तिगत कारक है यह कारक नियमानुसार है एक व्यक्तिगत गुण कुछ कार्य केवल निश्चित प्रकार के व्यक्तित्वों के लिए ही उपयुक्त होते हैं उदाहरण के लिए एक डॉक्टर या एक विक्रेता का व्यवसाय ऐसा है जिसमें इन्हें निरंतर सामान्य जनता के संपर्क में रहना होता है यदि वे अपने प्रकृति में शर्मिले हैं या अधिक बातचीत नहीं कर सकते तो वे अपने कार्य व्यवस्था में समल नहीं सफल नहीं हो पाएंगे जिसके कारण असंतोष उत्पन्न होगा एक कार्य का चयन करते समय व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके पास व्यक्तित्व के वह गुण विद्यमान हैं जो उस कार्य के लिए आवश्यक हैं क्योंकि कार्य के प्रकृति के साथ व्यक्तित्व के गुणों का मिलान करना अत्यंत आवश्यक है दो प्रतिष्ठा तथा वरिष्ठता यह पाया गया है कि संगठन में व्यक्ति का स्तर जितना ऊंचा होगा उसका कार्य संतोष भी उतना ही अधिक होगा तीन जीवन संतोष क्या व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह उसे जीवन संतोष प्रदान कर रहा है एक व्यक्ति अपने जीवन में स्थापित होना चाहता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तथा क्या इन्हें वह उस कार्य के माध्यम से प्राप्त कर सकता है जो वह कर रहा है यह वित्तीय भाग से इतर है उदाहरण के लिए प्रकाशन का कार्य करना तथा अनुसंधानों को आयोजित करना आदि ऑप्शन टू ट्वेंटी सिक्स identify the factor that is not important in the planning of program for children under 5 in the play center d introduce time to spend with parents पाँच वर्ष से कम बच्चों के लिए खेल केंद्र में कार्यक्रम नियोजन में उस कारक की पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण नहीं है डी माता पिता के साथ समय बिताने का प्रावधान ट्वेंटी सेवन वाट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन लोकतांत्रिक प्रकार का अनुशासन क्या है रूल्स आर एक्सप्लेन बिफोर दे आर इन्फोर्ज चिल्ड्रेन कैन क्वेश्चन रूल एंड द सेम कैन बी मॉडिफाइड विद ज्वाइंट कॉन्सेंट चिल्ड्रेन आर अलाउड फ्रीडम टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन बट दे हैव टू इंश्योर दैट दे डू नॉट हार्ट देम सेल्व्स आर अदर्स अराउंड नियमों को लागू करने से पूर्व उनका वर्णन किया जाता है बच्चे नियमों पर प्रश्न उठा सकते हैं तथा संयुक्त सहमति से उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं बच्चों की अपनी इच्छा से स्वयं करने दिया जाता है किंतु उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे स्वयं को या किसी अन्य को चोट न पहुँचाएँ 28. एट हाउ कैन महिला मंडल्स हेल्प इन द रनिंग ऑफ अ प्ले सेंटर खेल केंद्रों को चलाने में महिला मंडल किस प्रकार मदद कर सकते हैं महिला मंडल्स आर रजिस्टर्ड लोकल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन प्ले वाइटल रोल इन रनिंग अ प्ले सेंटर बाई Identifying parents to support play center, motivating them to enroll their children, collecting aids and play material for the play center, holding meeting regularly, creating awareness in their community regarding the importance of a play center for young children, promoting community participation for the successful running of a play center. महिला मंडल पंजीकृत स्थानीय महिला संगठन है ये मंडल एक प्ले सेंटर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं प्ले सेंटर के सहयोग के लिए अभिभावकों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें प्ले सेंटरों में अपने बच्चों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करके तथा प्ले स्कूल के लिए सहायक उपकरण खेल की सामग्री एकत्र करना नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना छोटे बच्चों के लिए प्ले सेंटरों के महत्व के संबंध में अपने समुदाय में जागरूकता जा� उत्पन्न करना प्ले सेंटर के सफल संचालन के लिए समुदाय की भागीदारी को त्साहित करना ट्वेंटी नाइन व्हाट आर द वेज इन विच द टीचर कैन मेक द प्ले सेंटर एंड होम रिलेशन इफेक्टिव एक्सप्लेन एनी फोर प्ले सेंटर तथा घर के संबंधों को प्रभावशाली बनाने के लिए एक अध्यापक कौन से तरीके अपना सकता है कोई चार की व्याख्या कीजिए इन ऑर्डर टू मेक द प्ले सेंटर होम रिलेशन इफेक्टिव अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द नीड्स फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच पेरेंट Focus her attention on what the parents want to know. Cater to the needs of the parents regarding their children and achieve good cooperation from them. Respect the parents for what they are. प्ले सेंटर तथा घर के संबंधों को प्रभावशाली बनाने के लिए एक अध्यापक को प्रत्येक माता पिता की आवश्यकताओं भावनाओं तथा उम्मीदों को समझना चाहिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि माता पिता क्या जानना चाहते हैं अपने बच्चों के संबंध में माता पिता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा उनसे अच्छा सहयोग प्राप्त करना चाहिए माता पिता जैसे भी हों उनका आदर करें थर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट आर टेकन टू ऑर्गेनाइज द स्पेस इन अ प्ले सेंटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ उदाहरणों की मदद से चर्चा करें उन कुछ महत्वपूर्ण कदमों की जो प्ले सेंटर में विभिन्न कार्यों के लिए स्थल तथा स्थान संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए उठाए जाने चाहिए ए प्ले एरिया कैन बी आउटडोर एंड इंडोर वन प्ले स्पेस आउटडोर्स इट शुड बी मिनिमम एरिया ऑफ थ्री टू फाइव स्क्वायर मीटर पर चाइल्ड it is better if this area has hard surface where toys with wheels can be used and balls bounced if there is more area than this there should be provision for grassy lawn where children can play run do gardening hand sandbox and pets some precautions the place area should be regular in outline for easy supervision Securely fenced for safety, free from nail, rock, broken part, and glass pieces, away from huge pits, water tanks, etc., and with clear pathway. 2. Play space indoor: minimum area of 2 square meter per child. Be adaptable, flexible, and viable. Be facilitative of supervision. Be well ventilized and have adequate light. Walls should be clean and well plastered. B. Space for interaction with the environment. This includes garden space for flowers, vegetables and fruits, small space for rabbit and bird cages, bird nest, indoor science corner offering opportunity to the child to explore, experiment and understand nature. C. Facility for drinking water, a play center should have arrangement for clear and pure drinking water, provision for washing utensils D. Sanitary facilities. The sanitary facilities in a play school should have clean Indian type toilet that should be provided with adequate water facilities, provision of soap and towel, provision of dust bean. E. Sleeping facility. This is required when the play center function for full day or longer than three hours. Children must definitely sleep for some times. For this purpose, besides space clean mat or mattress, seats and pillows are also required. F storage facility. Storage space is needed for keeping children's play items and also kitchen utensils used for the snacks provided to children. G kitchen area. A well ventilated. स्पेशियस किचन एरिया दैट इज इजी टू क्लीन इज रिक्वायर्ड इट शुड हैव स्पेस फॉर कुकिंग वॉशिंग एंड स्टोरेज ऑफ एंटेंसिल्स इट इज सी क खेल का क्षेत्र यह आउटडोर भी हो सकता है और इंडोर भी खेल का क्षेत्र आउटडोर यह क्षेत्र प्रति बच्चा कम से कम तीन से पाँच वर्ग मीटर का होना चाहिए यदि उस क्षेत्र की सतह ठोस हो तो बेहतर होगा क्योंकि वहाँ बच्चे के खिलौने रखे जा सकेंगे तथा बालों को उछाला जा सकेगा यदि इसके अतिरिक्त और अधिक स्थान उपलब्ध है तो घास के मैदान को का भी प्रावधान किया जाना चाहिए जहाँ बच्चे खेल से बागवानी करें वहाँ सैंडबॉक्स तथा पालतू जानवर भी रखे जा सकें कुछ सावधानियाँ प्ले स्कूल में नियमित आउटलाइन होना चाहिए ताकि आसानी से निगरानी रखी जा सके सुरक्षा के लिए उचित ढंग से चारों ओर तारे लगी होनी चाहिए यह स्थान कीलों पत्थरों वस्तुओं के टुकड़ों या काच के टुकड़ों से मुक्त होना चाहिए प्ले सेंटर बड़े गड्ढों पानी के टैंकों आदि से दूर होने चाहिए तथा इसका मार्ग साफ एवं सुगम होना चाहिए खेल का क्षेत्र इंडोर प्रति बच्चा न्यूनतम दो वर्ग मीटर स्थान यह क्षेत्र अनुकूल परिवर्तनीय तथा सदृश होना चाहिए यह र्वेक्षण के लिए सुलभ होना चाहिए उचित ढंग से संवात होना चाहिए तथा पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए ख पर्यावरण के समीप जाने के लिए क्षेत्र इसमें फूलों सब्जियों तथा फलों के लिए बगीचा खरगोश पक्षियों के पिंजरे पक्षियों के घोंसले के लिए छोटा स्थान तथा इंडोर साइंस कॉर्नर बच्चों को प्रकृति को समझने एवं अनुभव करने का अवसर उपलब्ध कराता है ग पेयजल की व्यवस्था स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल बर्तनों को धोने की व्यवस्था घ सैनिटेशन सुविधाएं एक साफ इंडियन टाइप टॉयलेट तथा पर्याप्त पानी की सुविधा होनी चाहिए साबुन एवं तौलिए का प्रावधान डस्टबिन का प्रावधान सोने की सुविधा यदि प्ले सेंटर पूर्ण दिवसीय है या तीन घंटों से अधिक के लिए क्रियाशील होता है तो उसमें सोने की सुविधा का होना आवश्यक है निश्चित रूप से बच्चे कुछ देर के लिए सोएंगे इस उद्देश्य के लिए स्थान के अतिरिक्त साफ़ मैट या मेट्रिस चादरें तथा तकियों की भी आवश्यकता होती है छ भंडारण सुविधा बच्चों को खेलने की वस्तुएं तथा बच्चों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराने में प्रयोग होने वाले किचन के बर्तनों को रखने के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता होती है छह किचन का क्षेत्र आसानी से साफ किए जाने वाले एक सुसंवत बड़ा किचन क्षेत्र होना चाहिए इसमें पकाने बर्तनों को धोने तथा बर्तनों को रखने आदि के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ फरवरी एंड नवंबर ट्वेंटी